नमस्ते दोस्तों। शाहरुख खान की मूवी आ रही है पठान, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर एक्टर की मूवी आती है, हर एक्ट्रेस की मूवी आती है, लेकिन शाहरुख खान की मूवी आ रही तो अनभक्त ने इस तरह का क्रेज बना रखा है मार्केट में कि ऐसा लग रहा है कि जैसा कि कुछ बाहुबली टाइप का कोई मूवी आ रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, ना बाहुबली 1 आ रहा है, ना बाहुबली 2 आ रहा है। तो क्या मूवी आ रहा है? एकदम सा जाना पहचाना मूवी का ट्रेलर है, मूवी उसी लाइन में मूवी को बनाई गई है। जिस तरह से एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और उसी तरह का एक मूवी बना दिया गया। घिसा पिटा सा स्टोरी लाइन है, सबको पता है कि एक टेररिस्ट होगा, वो अकेले पूरे देश पे को उड़ाने की मंशा रखेगा। ये सब बनाते हैं आप जो, मतलब 2014 के पहले ये सब मूवी मूवी बनाते हैं। 2014 के बाद तो टेररिस्ट अटैक पे मूवी बनाने का आप कोई मतलब रह गया? आप बताओ। चलो भाई, तो कुछ अंधभक्त ऐसा कह रहे हैं कि कहाँ भी आप सोशल मीडिया में खोलो, जब से एडवांस बुकिंग हुई है ये लोग हर जगह पर एकदम परेशान कर रखे हैं कि भाई एकदम से बुक माई शो तो क्रैश कर गया है। जैसे ही एडवांस बुकिंग इंडिया में खुली है पठान की, अरे कुछ बुक माई शो क्रैश नहीं किया, अपना इंटरनेट चेक करो, इंटरनेट तुम्हारा बहुत स्लो हो गया होगा, या इंटरनेट तुम्हारा सही है नहीं, या फिर जियो प्लान तुम्हारा खत्म हो गया होगा। बुक माई शो कुछ भी क्रैश नहीं किया था, आप जा करके देखो, सारे के सारे जगह पर शोज अवेलेबल है, यानी लोग जा नहीं रहे। पीवीआर का शेयर गिर गया है 20 तारीख को, जिस दिन एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है उस दिन पीवीआर का शेयर गिर गया, और अच्छा खासा शेयर गिर गया है। 400 करोड़ का लॉस हुआ है पीवीआर को जिस दिन लॉन्च हुई है, एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है इंडिया में, लेकिन आप लोग परेशान कर रखे हैं कि एडवांस बुकिंग, अरे किसके लिए इतना क्रेज भाई? पिछले 5 साल में शाहरुख खान की एक मूवी हिट हुई नहीं थी, 4 साल बाद एक मूवी आ रही है। इसके पिछले जो उनकी मूवी आई थी वो थी जीरो, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में अपना जीरो छाप छोड़ा था। लाइफ टाइम कलेक्शन था 80 करोड़ के आसपास, जो कि बॉक्स ऑफिस फेलियर फ्लॉप मूवी थी। तो उस एक्टर की एक मूवी आ रही है, इसके लिए आप ऐसा क्रेज कर रहे हो जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर 25 तारीख को टिकट नहीं खरीदेंगे तो उसके बाद तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। अरे 25 के बाद 26 को इंसान जिसको देखना वो देखेगा, 27 को देखना है, और वैसे भी ट्रेलर के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत बड़ा हाइप है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। मूवी आजकल जो बनाते हैं वो तो ऐसे राजा मौली बनाते हैं, जो देश में भी छाप छोड़ते, विदेश में भी छाप छोड़ते। बाकी बॉलीवुड के लोग में तो वो दम खम है नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, खुद से भी कॉपी पेस्ट, साउथ से भी कॉपी पेस्ट, हॉलीवुड से भी कॉपी पेस्ट, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो इसमें इतना क्रेजी और क्रेज बनाने का मतलब क्या बनता है? ऐसा कौन सा मूवी है, ऐसा कौन सा उसमें नया लगा? मैं अपने कुछ फ्रेंड से बात कर रहा था, मैं बोला कि भाई वो बोले कि 400-500 करोड़ तो क्रॉस कर जाएंगे भाई, आराम से, तू सोच मत। मैं क्यों सोचूं? मैं बोलता हूँ चाहे इंडिया की जीडीपी से ज्यादा कमाई कर जाएगी पठान मूवी, चाहे तू और खुश हो जा, यूएसए के जीडीपी से भी ज्यादा कमाई कर जाएगी पठान मूवी, और खुश होना है क्या? मैं बोलता हूँ पूरे दुनिया की दौलत एक तरफ और पठान मूवी की कलेक्शन एक तरफ, इससे ज्यादा तो और नहीं ना कमा लेगी। तो उससे क्या हो जाएगा? आपके घर का राशन आ जाएगा, पठान मूवी की टीम लाके आपके घर का राशन दे देगी, या फिर पठान मूवी की टीम आपके स्कूल के बच्चे की फीस भर देंगे, या फिर पठान मूवी के ही टीम आ करके आपके हॉस्पिटल के बिल्स भर देंगे, आपका इंश्योरेंस करवा देगी, आपके कार्स खरीदवा देगी, आपके फ्लैट्स खरीदवा देगी। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अमीर और अमीर बनता जाएगा, और आप जैसे जो अंधभक्त है ना, वो और अपने ही कड़ी मेहनत वाले पैसे के चक्कर में खाई बना करके कुछ लोगों को जिसको जाके देखना भी नहीं होगा मूवी, वो भी जाकर के मूवी देखने चले जाएंगे। तो मतलब कि आप क्या करना चाहते हो? आप अमीर को और अमीर बना देना चाहते हो, यही ना? और तो कुछ नहीं कर रहे हो इस तरह से हाइप बना करके, और आप क्या कर रहे हो? अरे यार, अपनी मेहनत के पैसे कमाए हो, अपने मेहनत के पैसे कोई सही जगह लगाओ, बच्चों की स्कूल फीस में लगाओ, इंश्योरेंस करवाओ, हेल्थ में लगाओ, अच्छे फल फूल खाओ। तो इसमें इस तरह की क्रेज बना करके क्या मिल जाएगा आपको? मुझे पता है कि ये कुछ लोग हैं जो इस तरह के क्रेज बनाते हैं। अरे वो जमाना चला गया भाई, आप अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पहले वो जमाना आज से 15-20 साल पहले का था, जिस टाइम लोगों के पास ये हाथों हाथ स्मार्टफोन नहीं होता था, वो अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते थे। आज मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि शाहरुख खान से अच्छे अच्छे एक्टर घर पे मौजूद है, लोगों के घर में है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग उस तरह के टैलेंट को देखते हैं, और इस तरह के टैलेंट की भी कदर होती है। शाहरुख की एक्टिंग आज से 15 साल पहले सबसे यूनिक लगती है, आज ऐसा कुछ भी नहीं है उनमें, उनसे भी अच्छे अच्छे एक्टर्स घर में हैं। तो आप अपने आप को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो। फैन बनना है तो यार अपने घर पड़ोस में अपने माँ बाप के बनो, अपने भाई बहन के बनो, क्योंकि आपने उनकी स्ट्रगल देखी है। शाहरुख खान की कौन सी स्ट्रगल आपने देखा है? आप उनके फैन बनो, ठीक है, किसी टाइम उन्होंने अच्छा मूवी करा था, बट क्या आज के दौर में शाहरुख खान को जहाँ क्लासिकल मूवी करनी चाहिए, जहाँ ऐसी मूवी करनी चाहिए जिनको अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट किया जाए, वो इस तरह की कमर्शियल मूवी कर रहे हैं, इसमें क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अपने आप को फैन बनाना है तो खुद का पहले फैन बनाओ, अपनी संस्कृति का फैन बनो, अपने घर में माँ बाप के फैन बनो, भाई बहन के फैन बनो, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के फैन बनो, जिनको आप जानते ही नहीं उनके फैन बन के ऐसा क्रेज कर दो 500 करोड़ आएगा, जैसे आपको 50 रुपया तो मिलना नहीं है उसमें 500 करोड़ में से, तो फिर क्यों परेशान हो भाई, क्यों परेशान हो?
धन्यवाद।